देखो आज के टाइम पे भी आपको एक बात तो माननी पड़ेगी कि इंडिया में आज भी लोग फिक्स डिपॉजिट में ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। भले ही शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड का जमाना चल रहा है, लेकिन अभी भी 80-90% जो इंडियंस लोग हैं वो एफडी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्यों इंडियंस ज्यादातर अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेजेस है। मेन रीजन यहां पे ये है कि एक सेफ इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि यहां पे आपका पैसा डूबने का चांसेस ना के बराबर होता है। उसके अलावा यहां पे आपको गारंटेड रिटर्न्स मिलता है, यानी कि आपको बैंक ने बोल दिया कि हर साल हम आपको 7% का ब्याज देंगे, तो कुछ भी सिचुएशन हो जाए वो आपको 7% का जो ब्याज है वो देंगे ही देंगे। उसके अलावा यहाँ पे आप फिक्स टेनर, यानी कि आप 7 दिन से लेके 10 साल के लिए एफडी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आप 7 दिन के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, इस तरीके से आप चाहे तो 10 साल के लिए एफडी कर सकते हैं। आप अपने एफडी के अगेंस्ट में लोन भी ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं इंटरेस्ट की बात कर लूँ, जो इंटरेस्ट का पैसा है वो चाहे तो आप मंथली ले सकते हैं, हाफ ईयरली ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं, या तो आप ईयरली भी ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास में एक और ऑप्शन होता है कि अगर आप एफडी करते हैं, अगर आपको अभी इंटरेस्ट का पैसा नहीं चाहिए, तो मान लीजिए कि आपने 2 साल के लिए एफडी किया, तो 2 साल पूरा होने के बाद में जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट था और जो भी इंटरेस्ट बनता है वो भी आप चाहे तो एक साथ में ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, तो अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है, तो यहाँ पे बैंक एफडी के ऊपर सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट भी प्रोवाइड करती है। उसके अलावा कोई भी पर्सन बिल्कुल आसानी से एफडी अकाउंट बैंक में जाके या तो ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर टैक्स सेविंग एफडी करके भी आता है कि अगर आप 5 साल का एफडी करेंगे तो यहाँ पे आपको 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन भी मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आप चाहे तो अपने एफडी के अंदर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया तो समय से भी पहले पैसे विदड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारे रीजन की वजह से लोग एफडी में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको ये भी समझना है कि एफडी का अगर एडवांटेजेस है तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जिसमें सबसे पहला ये बात आता है कि यहाँ पे जो रिटर्न्स है वो आपको कम मिलता है। यानी कि जनरल तौर पे जो एफडी का इंटरेस्ट रेट होता है वो 6-7% के बीच में ही होता है, तो यहाँ पे रिटर्न्स आपको कम मिलता है। जबकि इंडिया का जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो भी 6-7% के बीच में घूमता रहता है। यानी कि आज जो सामान 100 रुपए का है उसका वैल्यू आज से 1 साल के बाद में 107 रुपए का हो जाएगा। और वहीं पे अगर आप बैंक में एफडी करने जाते हैं, 100 रुपए का एफडी करते हैं और बैंक आपको कहता है कि मैं आपको 7% सालाना ब्याज दूंगा, तो आप 1 साल के बाद में आपका जो 100 रुपया है उसका भी जो वैल्यू है वो 107 रुपया हो जाता है। यानी कि आपको इन्फ्लेशन भी 7% का है, आपको इंटरेस्ट भी 7% का मिलता है, तो एक्चुअली में आप कोई भी पैसा नहीं बना रहे। इसके लिए यहां पे कहा जाता है कि एफडी का जो इंटरेस्ट है ना वो लो होता है, बहुत कम होता है, जनरली वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं भी कर पाता है। तो अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए तो आपको ज्यादा रिस्क लेके स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और वहीं पे अगर आपको कोई भी रिस्क नहीं चाहिए तो एफडी के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां पे आपको लो रिटर्न्स 6-7% के बीच का ही मिलता है। उसके अलावा यहां पे जो दूसरा डिसएडवांटेजेस है वो है फिक्स इंटरेस्ट रेट का। यानी कि एफडी के अंदर आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो अगर आपको बैंक ने कह दिया कि भाई आपने 3 साल के लिए एफडी किया तो हम आपको 7% का इंटरेस्ट रेट देंगे, तो 3 साल में कुछ भी हो जाए आपको सेम इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। लेकिन मान लीजिए कि आप आज आपने एफडी कर दिया 3 साल के लिए और कल होके जो भी आरबीआई है उसने रेपो रेट को बढ़ा दिया और यहां पे बैंक ने भी अपने एफडी के इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, तो आपने तो पुराने इंटरेस्ट रेट पे पैसा इन्वेस्ट किया था और बैंक ने आगे चल के इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, तो उस केसेस में आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो बैंक ने फ्यूचर में बढ़ाया है उसका बेनिफिट आपको पुराने एफडी के ऊपर नहीं मिल पाएगा। इसके लिए आपको एफडी को तोड़ के फिर से नया एफडी करना पड़ेगा। और अगर आप अपने एफडी को समय से पहले तोड़ेंगे तो यहां पे भी आपको पेनल्टी वगैरह पे करना पड़ता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है कि यहां पे आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट ही देखने मिलता है। उसके अलावा यहां पे लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि आप जितने समय के लिए एफडी करेंगे आपको उतने समय तक तो उस एफडी को कंटिन्यू करना पड़ता है, बाद में आप पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने समय से पहले एफडी को तोड़ने का कोशिश किया तो उस केसेस में आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। उसके अलावा यहां पे जो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है वो है टीडीएस का। यानी कि एफडी के अंदर आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप साल का 40,000 रुपए से ज्यादा का इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं, अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है तो, और अगर आप एक सीनियर सिटीजन है और यहां पे अगर आप अपने एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है, अगर आप साल का 50,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं, तो उस केसेस में जो भी आप ऊपर का इंटरेस्ट इनकम अर्न करेंगे तो 10% का टीडीएस आपको पे करना पड़ेगा। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस ये है कि एफडी के ऊपर आप जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं वो इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होता है आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से। यानी कि अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो यहां पे जो इंटरेस्ट इनकम आप अर्न करेंगे
उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और यहां पे मैंने जो टीडीएस के अंदर आपको बात बताया, अगर आप चाहते हैं कि आपका टीडीएस ना कटे तो आप फॉर्म 15G या तो एच को सबमिट कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने आपको फिक्स डिपॉजिट का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों बता दिया। इसके भले ही डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन इंडिया में आज भी ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं 80-90% लोग वो फिक्स डिपॉजिट के अंदर ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिनके पास में कहीं से बहुत सारा पैसा आ गया और उनको 3-5 साल के लिए उस पैसे की जरूरत नहीं है, तो यहां पे आप डेफिनेटली एफडी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिस्क लेना है तो आप स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप यहां पे 7-10 साल के लिए एफडी कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो ऑनलाइन घर बैठे भी एफडी कर सकते हैं, या तो बैंक में जाकर आप एफडी वगैरह करवा सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया कि कॉम्युलेटिव एंड नॉन कॉम्युलेटिव दो तरीके का एफडी आता है। कॉम्युलेटिव बेसिस में क्या होता है कि यहां पे अगर आपने 3 साल का एफडी किया तो आपको 3 साल तक कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। 3 साल पूरा होने के बाद में जो भी आपका एफडी आपने जितने का किया है प्लस जो भी इंटरेस्ट बना पूरा आपको एक साथ मिल जाएगा। और नॉन कॉम्युलेटिव बेसिस में क्या होता है कि आप चाहे तो मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या तो ईयरली भी चाहे तो इंटरेस्ट का पैसा ले सकते हैं। उसके अलावा कौन से बैंक का भी लेटेस्ट क्या एफडी का इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो मैं आपको सिंपली स्क्रीन के ऊपर दिखा दे रहा हूं। और यहां पे अभी आपको सिंपली गूगल पर जाना है और वहां पे सर्च करना है एफडी कैलकुलेटर, और यहां पे आपको डालना है कि आप कितने का एफडी करना चाहते हैं प्लस उस बैंक का क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने समय के एफडी के ऊपर आपको कितने इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कितना पैसा यहां पे मिल सकता है। तो यही थी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो काम की लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड और रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको भी इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। जय हिंद दोस्तों।